हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फरियान एंड फरिया स्टूडियो। टुडे हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आपके लिए एक आउटिंग वाला व्लॉग। ये वीडियो देखकर आप बहुत एंजॉय करेंगे। हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज दुबई। ग्लोबल विलेज दुबई बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है। इस ईयर इसकी 25th एनिवर्सरी है। ये 6 मंथ्स तक खुला रहता है। ग्लोबल विलेज में ओवर 90 कंट्रीज का कल्चर डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पर सारे कंट्रीज के अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले जा रहे हैं तरकीब के पवेलियन में। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पवेलियन की तरफ। अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान सेक्शन में। पाकिस्तान पवेलियन के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट पवेलियन की तरफ। ये देखिए, ये है यूए का पवेलियन। हम अंदर तो नहीं गए, बस आपको दिखाने के लिए मैंने आउटसाइड से शूट कर लिया। ग्लोबल विलेज को वन ही टाइम में सारा कवर करना बहुत मुश्किल है। इसे पूरा घूमने के लिए एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आना ही पड़ता है। यहाँ पर कार स्टंट शो स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसमें अभी काफी टाइम था, इसीलिए हम आगे बढ़ गए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है यूरोप का पवेलियन। इसके इनसाइड हम बस थोड़ी देर के लिए गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ग्लोबल विलेज का मेन स्टेज। यहाँ पर स्टेज शोज, डांस प्रोग्राम्स और यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के सेलिब्रिटीज भी आकर परफॉर्म करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे राइड्स वाला सेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के राइड्स हैं। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लाउंस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। अब हम जा रहे हैं अफ्रीका पवेलियन की तरफ। वहाँ पर उनका डांस प्रोग्राम चल रहा था। वो बहुत ही एनर्जी के साथ डांस करते हैं। अब हम जा रहे हैं इंडियन पवेलियन। इंडियन पवेलियन जाते हुए मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, साथ साथ थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ। मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स जो इंडिया में हैं, वो बहुत याद आते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। इंडियन पवेलियन में घूमते वक्त ऐसे लगता है कि हम इंडिया के ही शॉप्स और इंडिया के ही मार्केट्स में घूम रहे हैं। इंडियन पवेलियन में मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की है, किसी व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। We'll be right back.
यहाँ पर क्रिसमस की कुछ परेड भी चल रही थी। इसमें जिंजर ब्रेड मैन, सांता क्लॉस भी थे। यहाँ पर एक और शो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर वन मैन अमिताभ बच्चन की तरह परफॉर्म कर रहा था, वो अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट था। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल विलेज की एंट्री का नाइट का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि आपको कुछ और कंट्रीज़ के सेक्शंस भी दिखा सकूँ। इतने ही पवेलियंस घूमने में काफ़ी टाइम हो गया था। आई होप आपने भी मेरे साथ बहुत इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।